हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट में। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो लेडीजों के लिए, जो कि सिलाई विलाई करती है अपने घर पे, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और टेलर होते हैं जो कपड़े सीते हैं, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है एक्सपेरिमेंट। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो फटाफट से वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए ही। दोस्तों ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इस प्रोजेक्ट में, देख सकते हो गाइज ये सारे सामान इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो गाइस सबसे पहले ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसे फिर क्यों की मदद से जो हमारे प्लाई का टुकड़ा है उस पर कॉर्नर पे चिपका देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, देख सकते हो गाइस। और हमारे पास है डीसी मोटर, तो देख सकते हो गाइस इसे भी अच्छी तरीके से चिपका देंगे। जो हमने टुकड़ा लगाया है लकड़ी का उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से, देख सकते हो अच्छी तरीके से चिपक चुका है। और गाइस अब हमारे पास है ये रबर बैंड, देख सकते हो रबर का एक टुकड़ा है छोटा सा, उसमें होल कर लिया है हमने। तो गाइस ये मशीन की गिरा रही है, इसमें अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो हमने लगा दिया और इसमें अंदर लगा दिए गिरारी को, देख सकते हो। और हमारे पास ये स्टिक, यह है ग्लू गन की स्टिक, तो इसका छोटा सा पीस लिया है हमने। और इसको फिर ट्यूब की मदद से यहाँ पर खड़ा कर देंगे, देख सकते हो गाइस। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, साइज का लेना है जहाँ पे हमारी गिरारी लगी हुई है वहाँ तक की। और गाइस ये छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास पाइप का, तो इसे भी हम इसके ऊपर चिपका देंगे स्टिक के ऊपर। इसमें से हम धागा आर पार निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे, देख सकते हो गाइस बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। हमने ले लिया एक पेंसिल, देख सकते हो छोटी सी, तो गाइस इसे भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, देख सकते हो एकदम तीनों लाइन पे हैं। और गाइस इसमें हम लगाएंगे हमारे जो धागे गिट्टी होती है उसको। तो गाइस अब हम कनेक्शन कर देते हैं, हमारे पास ये एक बैटरी और एक स्विच, देख सकते हो गाइस। तो इन सब का हम अच्छे से कनेक्शन कर देंगे, ज़्यादा हार्ड कनेक्शन नहीं है इनका, डायरेक्ट तार लगाने हैं अपन को, कुछ नहीं करना अर्थिंग फेस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट तार लगाने हैं हमें। तो देख सकते हो हम किस प्रकार से इनका कनेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हो कनेक्शन हो चुका है गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से, देख सकते हो आप। और गाइस अब हमारा जो सेल है इसको फेविक्यू की मदद से प्लाई के कोने पे चिपका देंगे यहाँ पे, देख सकते हो। और थोड़ी बाहर की साइड रखेंगे ताकि हमारे स्विच को चिपकाने में दिक्कत ना आए, देख सकते हो गाइस। और अब स्विच को भी चिपका लेते हैं फेविक्यू की मदद से, जो हमारी मोटर है डीसी मोटर उसकी साइड में चिपकाएंगे, देख सकते हो गाइस हमारे पास जगह कम है, देख आप देख सकते हो। तो हमारा ये प्रोजेक्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस अब लगाते हैं हम मशीन की गिट्टी, सिलाई मशीन वाली गिट्टी, और इस धागे को निकाल देंगे जो हमने पाइप लगाया छोटा सा उसके अंदर से, इसी प्रकार देख सकते हो। और इधर हम गिरा रही है उसमें थोड़ा सा लपेट देंगे। तो गाइस हमारी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है एकदम बन के रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है हमारा, गिरारी को देख सकते हो और गिट्टी को भी देख सकते हो आप कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग। तो गाइस देख सकते हो आप बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया इसने, मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हो ये हमारी गिट्टी अच्छे से भर चुके हो पूरी धागे से। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और गाइज हमारी नई नई वीडियो आती रहती है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।